हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं एक और रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, टॉपिक है आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं दिल से आपको लेकर। तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊँगी, और रीडिंग के एंड में आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस भी पिक कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर। स्टार्ट करते हैं गाइस और देखते हैं क्या आता है। तो ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप यहां तक पहुंचे आप देख सकते हैं। शिवलरी, इनर पीस, द गार्डन, सेक्सुअलिटी, द गार्डनर, रेनबो रिवाइवर। यिंग एंड यांग का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक से, और सेक्रेट वुमेन का भी कार्ड है यहाँ से। गाइस, ये जो पर्सन है ना, ये राइट नाउ, देखो नो डाउट कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं है। यहाँ पर बहुत सारा अट्रैक्शन है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, उसके दिल में आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। और ये अट्रैक्शन सिर्फ एक, यहाँ पर मैं इसे एक लस्ट नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ से यिंग एंड यांग का भी कार्ड है, तो यहाँ से ये मुझे एक डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों के बीच में। यानी कि जो दिल से दिल का रिश्ता है ना, वो बहुत प्योर है, ये मैं यहाँ पर बोलूँगी। राइट नाउ ये पर्सन चाहते तो हैं आपकी ज़िंदगी में आना, आपको, आपसे बातें करना, आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना, बट ये अभी, जैसे कि यहाँ से गार्डनर का कार्ड है ना, तो यहाँ पर मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने स्ट्रगल्स के साथ डील कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अपनी लाइफ में इनर पीस क्रिएट करना है, खुद के लिए, खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए। और साथ ही साथ ये भी एनालाइज कर रहे हैं कि आप अकेले बहुत अच्छे तरीके से जी पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी। ठीक है, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और रेनबो रिवाइवर का मतलब यही है कि ये पर्सन देख रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, इवन चाहे आप कनेक्शन में हो या नहीं, कॉन्टेक्ट में हो या नहीं, बट इसकी सोल पता लगा पाती है कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो अटैचमेंट्स है, इससे आप थोड़ा सा छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से इस पर्सन को फीलिंग आती है। यिंग एंड यांग का मतलब क्लियर है यहाँ पर, कि पर्सन आपको, आपके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है, केमिस्ट्री भी आप दोनों के बीच में है, मैं यहाँ पर इन दोनों कार्ड से यहाँ पर देख पा रही हूँ। और साथ ही साथ ये पर्सन चाहते तो हैं आपके पास आ जाएं, आपके साथ फिर से वही बातें पहले की तरह स्टार्ट कर दें जैसे ये करते थे। और पर कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइन टाइमिंग पर ही पॉसिबल होती हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर गार्डनर का कार्ड है। एक्शन के कार्ड के साथ साथ यहाँ पर गार्डनर का कार्ड है, तो यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अभी रेडी नहीं है, और ये पर्सन अपनी लाइफ में अपने स्ट्रगल्स के साथ डील कर रहे हैं, या फिर इनको फेस कर रहे हैं, और बहुत जल्द जल्द ये पर्सन अपनी लाइफ में ये पीस क्रिएट करने में सक्सेसफुल भी होंगे। ठीक है, जो चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ वो यही हैं। पेज ऑफ वैंड्स, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है ये पर्सन, और चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एट ऑफ सोर्ड्स, कुछ पैटर्न्स हैं जिनमें ये घिरे हुए हैं गाइस, नो डाउट इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा निकलने में। ठीक है, इसको टाइम की ज़रूरत है। सेवन ऑफ कप्स, थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हैं ये, नो डाउट कि इसको कंफ्यूजन नहीं है, इसको कंफ्यूजन हो रही है कुछ चीज़ों को लेके। और ये काफ़ी अकेले भी हैं इस वक्त, देखो चाहे भले ये आपके साथ नहीं है पर ये अकेले भी हैं, ये किसी और के साथ भी नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी वगैरह थी ना आपके कनेक्शन में, अब नहीं है।
ये रातों को जागते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं, इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। एक मन करता है इसका आपके पास आ जाएं, फिर ये सोचते हैं कि अभी राइट टाइम नहीं है और अपने वर्क पर फोकस करने के बारे में सोचते हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ देख रही हूँ और इसीलिए ना ये आपसे भाग रहे हैं। अभी भी आपके जो पर्सन है ना वो रनर की एनर्जी में ही हैं, ये अभी भी आपसे भाग ही रहे हैं। इसका मतलब है कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जो इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई किसी से कब भागता है, जब सामने वाले की कोई चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही है, या फिर वो सामने वाले में वो चीज़ नहीं देख पा रहा है जो वो चाहता है। अभी भी ये पर्सन इस रिश्ते से भाग रहे हैं, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। इसके दिल में आप बस रहे हो, नो डाउट कि आप इसके दिल में नहीं हो, लेकिन फिर भी ये इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, भाग रहे हैं। ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सा ऐसा पैटर्न है जो इस पर्सन को पसंद नहीं आ रहा है। अब आप अगर नो कॉन्टेक्ट में हो तो कैसे पता लगाओगे? तो इसे पता लगाने का सबसे बेस्ट वे है कि आप ना अपने आप से पूछो कि आपको अपने अंदर क्या हील करना है, तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप यहाँ पर एक काम कीजिए, आप अपने सिचुएशन को ऐसे जानने की कोशिश कीजिए, आप सबसे पहले खुद के फ्रेंड बन जाइए। जैसे एक फ्रेंड आपको सारी बातें बताता है, मेरे कनेक्शन में ऐसा है, वैसा है, इस तरीके से हो रहा है, तो आप उसके कनेक्शन को समझकर कुछ ना कुछ एडवाइस देते हो ना, अब सेम आपको अपने साथ ये करना है। अपने कनेक्शन को एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है जिससे ये जो सिचुएशन है ये ठीक हो सकती है। ठीक है, तो शायद ये रनर की एनर्जी से बाहर आ जाएं, क्योंकि अभी भी शायद आपका पूरा दिल और आपका पूरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन पर है। बाकी चीज़ों पर हो सकता है, पर उतना नहीं है जितना आपको लगाना है। आप ज़्यादा कनेक्शन के बारे में सोचते हो, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है इन कार्ड से। इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि कनेक्शन में कुछ नहीं रखा है, अपनी वर्थ पे, अपने बिजनेस पे, अपने करियर पर फोकस कर लिया जाए तो बेटर है। इसका भी सोचना सही है। आप पता है क्या, आप इसे चेस कर रहे हो, ये भाग रहे हैं, तो ये भी इसके लिए ट्रिगर है, ये भी इसको इनर वर्क में हेल्प कर रहा है। बट ये कब तक रनर और चेजर की एनर्जी में रहोगे? एक कंक्लूजन पर पहुंचना है, तो वो चीज़ अगर आपको पानी है अपनी लाइफ में, आपको कंक्लूजन पर आना है, तो फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कहाँ पर स्टक हो, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट लेकर आने की ज़रूरत है। देखो, इम्प्रूवमेंट्स तो लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन रनर बन रहे हैं, भाग रहे हैं आपसे इस कनेक्शन से। तो इसका मतलब है आपको इन्हें रोकना पड़ेगा। अब आप इन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हो? आप अपने ही अंदर चेंज लाओगे तभी कुछ ना कुछ होगा सिचुएशन में। भले ही अकेले हैं, कंफ्यूज्ड हैं, किसी पैटर्न में फंसे हुए हैं, रात को इनको नींद नहीं आती, रोते हैं ये पर्सन, और फिर भी इसको आप और इसको ये भी पता है कि अगर आप इसके पास हो तो इसको शांति मिलेगी, इसको अपनापन फील होगा, बट फिर भी ये भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी ये रेडी नहीं है, ये पर्सन रेडी नहीं है इस कनेक्शन को डीपली समझने के लिए ही। चाहे इसको ये वाइब्स आ रही हैं कि आप सिर्फ इसी के लिए बने हैं, बट फिर भाग रहे हैं आपसे। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ठीक है? अपने खुद की स्टोरी को एनालाइज करो और फिर खुद ही सोल्यूशन देने की कोशिश करो कि आप कहाँ पर कमी कर रहे हैं और आपको क्या चीज़ कंप्लीट करनी है पहले, तो सिचुएशन में कुछ चेंज आ सकता है, इसकी फीलिंग्स में चेंज आ सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। यहाँ से कार्ड्स निकालते हैं कि सोल जर्नी से क्या आता है आपके लिए। फ्रीडम चाहिए, देखो इसको नहीं फंसना किसी भी चीज में, इसको फ्रीडम चाहिए। ब्लेम, इसको फ्रीडम चाहिए गाइस, इसको ब्लेम वगैरह मत करो, क्यों छोड़ के गए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इस तरह का
एफर्मेशंस मत बोलिए। अगर आपको ये ग्रैटिट्यूड चाहिए अपनी लाइफ में, तो इस पर्सन का प्यार चाहिए, अगर एनवी डिनायल सरेंडर, सबसे अच्छी बात बोली इस पर्सन ने, सरेंडर कर दो। सिचुएशन दोनों के आउट ऑफ कंट्रोल है, एनर्जी फील होती है फिर भी इग्नोर करते हैं ये पर्सन, ठीक है, डिनायल करते हैं, अपने चैलेंजेस को लेकर घिरे हुए हैं। फ्रीडम चाहिए इस पर्सन को। ये पर्सन 3D वर्ल्ड में जी रहा है, आपके जितना अवेकन नहीं है, और जितना इसको चेस करोगे ये भागेंगे आपसे। इसीलिए ना आपको अपने ऊपर, देखो पता है क्या, अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, इवन अगर ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन भी है, तो आप ना इस धरती पर आने से पहले ही कुछ चीज़ें डिस्कस कर कर आए थे। एक इनर वर्क करेगा और एक अपने कार्मिक जो भी उसके अकाउंट्स हैं उनको रिलीज़ करेगा। तो आप ये मान के चलिए कि आपने इनर वर्क एक्सेप्ट किया है और आपके पार्टनर कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कर रहे हैं। तो अभी हो सकता है कि वो आपको भी एज अ कार्मिक अकाउंट ही कंसीडर कर रहे हैं। तो ये चीज़ कैसे हट सकती है इनके माइंड से आपके लिए, जब आप अपना इनर वर्क करोगे, क्योंकि दोनों डिसाइड कर कर आए थे। इस जर्नी में ऐसा ही कुछ होता है गाइस, अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो अपना इनर वर्क करो, इस पर्सन को किसी भी तरह से ब्लेम मत करो, जो ये चाहता है इसे करने दो, ठीक है। एट द राइट टाइम ये वापस आ जाएंगे, ठीक है, और ये आपके प्यार की शक्ति भी होगी और इस कनेक्शन की सच्चाई भी होगी जो इसको वापस लेकर आएगा, ठीक है। क्योंकि राइट नाउ ये पर्सन, इसके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इसे पता है आप कौन हैं इसके, इसको बहुत हद तक ये इस बात की जानकारी है, बट स्टिल ये आपसे भाग रहे हैं। तो ये चीज़ है जो एक बहुत बड़ा एक इशू है जिसको सॉल्व करना होगा। और अब जब आपको पता लग गया है कि आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो आप अपना इनर वर्क करो गाइज, यही एक तरीका है अपने पर्सन को वापस पाने का, क्योंकि रह तो आप भी नहीं पाओगे इनके बिना, और ऐसे ही भटकते रहोगे वरना। चलिए मैसेजेस देखते हैं आप क्या कहेंगे ये पर्सन आपको। यू मेक मी फील अलाइव, इवन आप इसको अलाइव फील कराते हैं, इसको ये बात पता है फिर भी ये भाग रहे हैं आपसे। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, देखो ये आपको स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल कह रहे हैं, और आप चाहें तो चीज़ें अचीव कर सकते हैं, इनर वर्क कर सकते हैं। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, आप दोनों में काफ़ी कुछ कॉमन है, ये तो सच्चाई है ही। अगर कोई डिवाइन कनेक्शन में है तो बहुत चीज़ें कॉमन होती है आप दोनों के अंदर। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन, यस। यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशंस एंड वी हैव, यू आर माई स्ट्रेंथ, इवन आप इसकी स्ट्रेंथ हैं, ठीक है, और आप हमेशा इस पर्सन की हेल्प करते हैं, आप हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसकी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, और आप दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। तो आप इसके लिए एक ऑनेस्ट पर्सन हैं, ठीक है, जिसको ये कभी भुला नहीं पाएंगे और ना ही कभी आपको छोड़ पाएंगे। तो आप अपना काम कीजिए जो करने आए हैं, तो डेफिनेटली जब आपके काम पूरे होंगे तो आपका यूनियन भी होगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली होगी और ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना आप सभी। अभी के लिए बस इतना ही गाइज, बाय, टेक केयर।